हेलो डियर स्टूडेंट्स, रट्टू तोता के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को इस चैनल में डेली आप लोगों को वीडियोस नज़र आती हैं, राइट, जिसमें कि हम लोग आपको सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हो सकती हैं, जिनकी कि बेसिकली आपको ज़रूरत रहती है। बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इसमें किस तरीके से होता है और इसमें क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों के, ये भी जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, वो सारे के सारे हम लोग आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। तो आज इसी क्रम में एक वीडियो का आपका, इसी वीडियो का एक टॉपिक है आप लोगों का कि जनरली अगर हम आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी बिहार की यूनिवर्सिटी है, सेमेस्टर एग्जाम की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे कि किस तरीके से आप, अगर आप सेमेस्टर में हैं या आप इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में हैं या आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से आपके पास कॉपी आती है एंड कॉपी में किस तरीके से आप एंट्रीज़ को फिलअप करते हैं। और एंट्रीज़ देखो ठीक तरीके से फिलअप होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एंट्रीज़ को बहुत अच्छे से फिल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने में परेशानी होती है। तो इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंट्री को हमने फिल कर दिया, उसके बाद किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करें, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स हमें पहले करने चाहिए, डिटेल थ्योरी को हमने पहले करना चाहिए, और अगर हम डिटेल थ्योरी को कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम लोग मार्क्स अच्छा स्कोर करें। देखो कहीं ना कहीं हम लोग सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट ये सोचता है कि उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो अच्छे आए, चाहे आप बीटेक कर रहे हो चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो। आपका मेन टारगेट क्या रहता है कि ऑब्वियसली आप इतना समय दे रहे हैं, जब 4 साल का आप बीटेक कर रहे हैं, 3 साल का आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप पूरी कोशिश क्या करोगे कि अच्छा स्कोर आए भाई, क्योंकि आप समय भी दे रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हम बात किस पे करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी। अब आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो AKU सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी आपने कैसे लिखनी है, और बेसिकली जो ये यूनिवर्सिटी है ये बिहार की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज में हैं तो आपको ये वीडियो हेल्प नहीं करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी, क्योंकि जो पेपर का जो आपका पैटर्न है, या मैं ये कहूँ कि एंट्रीज़ को फिल करना, या आपने जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम में आपने आंसर्स करने हैं, ये मैक्सिमम सभी यूनिवर्सिटी में 80-90% सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपको ये वीडियो आपको हेल्प ही करेगी। तो देखो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम के लिए किस तरीके से कॉपी रहती है, तो एक सैम्पल कॉपी के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। बेसिकली हम इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट पेज होता है वो आपका OMR सीट की तरह होता है। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आपने देखा भी होगा, 12th तक दिया भी होगा, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया भी होगा तो देखा होगा कि आपका जो फर्स्ट पेज होता है वो आपका OMR सीट की तरह होता है, जिसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, जिसमें डेट ऑफ एग्जाम होता है, शिफ्ट होता है, रूम नंबर, पेपर कोड, और कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, सेमेस्टर कौन सा चल रहा, नेम ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। और एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब ये है कि अभी तक आपकी इस पेपर में बैक नहीं लगी हुई है। और एक और होता है जिसमें कैरी ऑन होता है, ठीक है, इसके पास एक सर्कल होता है, इसके पास क्या होता है, एक सर्कल होता है। आप रेगुलर हैं तो आपको इस सर्कल को फिल करना होता है, और अगर आपकी बैक लगी है तो आपको कैरी ऑन को फिल करना होता है। इस तरीके से देखने को मिलता है। ध्यान रखिए जो ये डिटेल्स आपने फिल करनी होती है बहुत ही अच्छे से फिल करनी होती है। इसलिए अच्छे से फिल करनी होती है क्योंकि देखो कुछ गलती आप लोग करोगे एंड देन उसके बाद फिर रिजल्ट आने में परेशानी होती है, फिर रिजल्ट आने में तो परेशानी होती है, फिर ये चीज़ें रेक्टिफाई तो हो जाती है, ये तो नहीं है कि भाई रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी, गलतियाँ रेक्टिफाई तो हो जाती हैं, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो फिर ऐसी गलती क्यों करनी जब आपको पहले से पता है कि एंट्री आपने केयरफुली बहुत अच्छे से आपने फिल करनी है, अच्छे से आपने डेट ऑफ एग्जाम, शिफ्ट, रूम नंबर, पेपर कोड, क्या सब्जेक्ट है, सेमेस्टर, नेम ऑफ कैंडिडेट, साथ ही साथ इसके नीचे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एंड देन आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं, आप कौन से कोर्स में हो, जैसे बीटेक में तो बीटेक आप लोग फिल करेंगे, ब्रांच कौन सी है, सेशन कौन सा है,
सेमेस्टर कौन सा है आपका, पेपर का कोड, और पेपर का कोड आपके पेपर जो आपको मिलेगा जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा उसमें आपका पेपर कोड लिखा होता है उसको आपको फिल करना होता है, ठीक है। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको आपको सर्कल में फिल करना होता है। और ध्यान रखें ये सारी एंट्रीज अगर आप ब्लैक पेन से आप लोग फिल करेंगे तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पेपर कोड फिल करना है, एग्जामिनेशन में आपने आपका सीट नंबर आपने फिल करना है, सिग्नेचर करने हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम की जो आईडी है उसको आपने फिलअप करना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि यहाँ पे आपका लास्ट में ऐसा लिखा होता है स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। स्टेटस ऑफ कैंडिडेट का मतलब ये है कि आप रेगुलर हैं कैरी ऑन है। काफ़ी स्टूडेंट जो एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें पता नहीं होता भाई कि इसकी मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। रेगुलर का मतलब है कि आप क्या हैं, कि आपकी अभी तक बैक नहीं लगी है इस सब्जेक्ट में, और कैरी ऑन का मतलब है कि आपकी बैक लगी हुई है। तो ये सारी डिटेल्स को आपने बहुत अच्छे से फिल करना है, ध्यान रखें, ठीक है। और बेसिकली जो आपको ये कॉपी नज़र आती है जिसमें फर्स्ट पन्ना OMR की सीट की तरह होता है, और इसके बाद अगर आप लोग देखो तो अगर हम टोटल पेजेस की बात करें तो आपके 41 पेजेस होते हैं। कितने पेजेस होते हैं? 41 पेजेस होते हैं। अब बात आती है कि ठीक है हमने एंट्रीज अच्छे से फिल कर ली, अब आंसर हमने किस तरीके से करने हैं कि हमें सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में बेसिकली अच्छे मार्क्स आ जाएं। अगर इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो ओवरऑल हमारी जो सेमेस्टर की जो परसेंटेज है वो भी हमारी अच्छी होगी, ठीक है, अच्छी होगी। तो इसी में देखो अगर हम बात करते हैं तो आपके इसमें जो पेपर का पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल थ्योरी आपकी होती है, और साथ ही साथ आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेटर को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम बीटेक की बात करते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि आप क्वेश्चंस किस तरीके से करोगे, तो देखो पहले आपने कोशिश करनी है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स करो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस के आप आंसर करो। बात आती है जब डिटेल थ्योरी की, तो डिटेल थ्योरी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आंसर्स कैसे मार्क कर रहे हो, क्योंकि देखो आपको पता है कि हर स्टूडेंट लिख रहा है, ठीक है, लेकिन मार्क्स उसी के अच्छे आते हैं जो कि तरीके से लिख रहा है। तो वही तरीका मैं आपको बताने जा रही हूं। देखो अगर हम तरीके की बात करते हैं तो डिटेल थ्योरी में आप लोगों ने क्या करना है, डायग्राम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने रिप्रेजेंट करना है चीजों को। क्योंकि देखो अगर आप खुद सोचो, अगर आप अपने आप को देखो कि एज अ टीचर अगर आप किसी की भी कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी की भी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो नज़र पड़ती है वो किस में पड़ती है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में पड़ती है। किस में पड़ती है? आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। हम देखते हैं कि कितना डायग्राम से, किस तरीके से, या हम कहें कि ग्राफ से किस तरीके से इंडिकेट करी गई हैं चीज़ें। आप कितना भी लिख लें अगर ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की जाती हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कॉपी का रिप्रेजेंटेशन रहता है वो बहुत ही कम रहता है, या मैं ये कहूँ कि मार्क्स फिर उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में ध्यान रखो कि आपको जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। हर एक चीज़ में ऐसा ही होता है, देखो कि आपको कितनी भी नॉलेज है अगर आप उसे बोल नहीं पा रहे हैं, सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता, होता तो यही है देखो बेसिकली, ठीक है। अब देखो हम किसी भी चीज़ को जज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सुनना ज़रूरी है ना। अगर आपने कहा कि मुझे बहुत नॉलेज है इस सब्जेक्ट की और मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे और आप बता ही नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरीके से लिखने में भी हमारा रहता है कि अगर आपको सेमेस्टर में अच्छा स्कोर चाहिए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप रिप्रेजेंट में भाई कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि सपोज उससे रिलेटेड अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो एटलीस्ट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें लिखो भाई। कुछ लोग उसमें गाने लिख देते हैं, कुछ लोग मतलब ऐसा देखा गया है, क्योंकि देखो कॉपी चेक हम लोगों ने भी करी है तो कहीं ना कहीं हमने ये सब देखा है। तो इससे क्या होता है, देखो अगर स्टूडेंट्स ने कुछ और आंसर्स भी ठीक दिए होंगे ना, या टीचर का मन होगा पास करने का, वो भी पास नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसा कुछ गलत नहीं करना है, सिर्फ वही चीज एटलीस्ट आपने नहीं भी पढ़ा है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें लिखें। और देखो थोड़ा पढ़ के जाना तो बहुत ज़रूरी है भाई, थोड़ी मेहनत करने में क्या जाता है जब कुछ चीज़ आपको अच्छी देखने को मिल रही है। तो हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं
कि अगर आप डिटेल थ्योरी की बात करें तो बहुत अच्छे से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लेते हैं, फॉर्मूला के थ्रू, जो कि एकदम से अगर हम कॉपी का पेज देखें तो एकदम हमारी नज़र जाए और हमें लगे कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा जिसने पढ़ाई करी है और जिसने कम पढ़ाई करी है उन्हें तो नहीं पता ना, आपका रिप्रेजेंटेशन कॉपी में रिप्रेजेंटेशन बताता है भाई कि किसने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और ज़रूरी नहीं है जिसने बहुत पढ़ाई करी है उसने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हो, जो अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा मार्क्स वही ले जाएगा। तो यहाँ पर स्मार्ट स्टडी हम लोग कह सकते हैं। अब आगे अगर बात करें कि किस तरीके से आपने आंसर्स करने, आंसर्स आपके एकदम टू द पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। आपने देखना है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन का मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने आंसर्स करने हैं। जैसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने ये मानना है कि उसमें 3 to 4 पेजेस तो होने चाहिए मिनिमम। अगर आप इतने पेज नहीं लिखोगे तो भाई 10 नंबर रखने के लिए भी पेज होने चाहिए। कहाँ पर रखेंगे बताओ? एक पेज का आपने आंसर लिखा है, मैंने माना कि आंसर टू द पॉइंट लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, भाई 10 नंबर नहीं रखे जा सकते टीचर के द्वारा। आपने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पेजेस भी आपने बढ़ाने हैं जिस तरीके से आपके मार्क्स हैं। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कहा कि मुझे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है, आपने 5-6 पन्ने लिख दिए। अब 5-6 पन्ने आप लिखोगे तो फिर भी कितने नंबर मिलेंगे? 5 ही नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि कुछ आपका कम मार्क्स का क्वेश्चन और आपको आता है और आप करे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, मिलना तो आपको 5 मार्क्स ही है। तो इसी तरीके से ध्यान रखना कि किस तरीके से वेटेज आपको है और किस तरीके से आपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक पेज, जैसे एक में आपने आंसर्स पूरा लिख लिया, देन उसके बाद आप पीटीओ लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं कि अच्छे मार्क्स के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, देखो रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए भाई। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कोशिश करो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, कोशिश करो ग्राफ की, कोशिश करो कि आप इस तरीके से उस पेज में ऐसे हाईलाइटेड करो चीज़ों को कि एकदम टीचर का ध्यान जाए कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इसी तरीके से देखो, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब देखो, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अगर राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो कोशिश करो कि आप नीट एंड क्लीन काम कर सको। भाई बहुत अच्छी राइटिंग है और आपने क्या कर रखा है, कट फिट कर रखा है, तो भी इंप्रेशन नहीं जाता, टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा बहुत अच्छे। लेकिन हाँ, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है लेकिन आपने साफ सुथरा काम किया है तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो हम, मैंने बात कर ही चुकी हूं कि नीट एंड क्लीन वर्क आप लोगों ने करना है, तो इन सब के थ्रू आप लोग डेफिनेटली आप लोग अच्छे मार्क्स को आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ओवरऑल ये चीज है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप अगर सेमेस्टर में हैं या अभी आप सेमेस्टर देने वाले हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोशिश करें डायग्राम बनाने की, कोशिश करें नीट एंड क्लीन काम करने की, और सबसे पहली चीज कि आपने जो स्टार्टिंग में आपकी कॉपी होती है, स्टार्टिंग में जो मतलब कॉपी के पेजेस में जो फर्स्ट पेज होता है आपका OMR का, उसको बहुत अच्छे से फिल करना है। क्योंकि देखो, वही खराब कर दोगे तो फिर दिक्कत आनी है, तो आपने उसको भाई अच्छे से आपने फिल करना है, ठीक। एंड देन उसके बाद अगर आंसर्स की बात करें तो कोशिश करें कि फिल इन द ब्लैंक्स और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनके आंसर्स को आप बहुत अच्छे से कर पाए। ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि इनसे इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपका स्टार्टिंग का काम बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं टीचर को ये लगने लगता है कि आप पढ़ के आए हो। और कोशिश करें जो आपको आता है उसे आप पहले करें, जो नहीं आता है उसे बाद में करें। ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 4-5 पन्ने डिसाइड करते हैं कि मार्क्स कितना जाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अगर 4-5 पन्ने आपने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है, उसके बाद अगर कम भी कर रखा है ना तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम देखें कि एक बार में बहुत नंबर ऑफ कॉपीज़ की अगर बात करें, बहुत सारी कॉपियाँ चेक होती हैं, तो बस मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है भाई। तो आपने हर चीज़ को ध्यान में रखना है, मेहनत तो करनी है भाई। पढ़ के नहीं जाओगे तो क्या ही रिप्रेजेंट करोगे? जिसने पढ़ा होगा वो कैसे भी रिप्रेजेंट कर लेगा। तो पढ़ाई तो करनी है लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से डायग्राम बनाएं, किस और लास्ट में आपने क्या लिखना है, एंड लिख देना है, जिससे कि पता रहे कि अब आपका एंड हो चुका है, इसके बाद और कुछ भी आपने का नहीं मेंशन है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आप लोगों ने। और ध्यान रखें कि दूसरी कॉपी भी नहीं मिलती है, उसी कॉपी में आपने ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना आपने फिल करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है।
तो होप सो कि आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आ रही होगी और मुझे उम्मीद है कि आप सेमेस्टर में हैं तो इस बार आप बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिन्हें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको ये की पॉइंट्स नहीं पता तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। और अच्छी लगे तो भाई आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, आपके कुछ सजेशंस हैं कि आप किस तरीके से चाह रहे हैं कि आपको किसी और ऐसी चीज़ हो जिसकी कि आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस बार सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना है और अच्छे स्कोर करने के लिए आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अगली वीडियो का करिएगा इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।